नवाजुद्दीन सिद्दीकी अभिनीत फिल्म बाबू मोशाय बंदूकबाज के लेखक गालिब असद भोपाली का कहना है कि यह फिल्म समाज की कुछ असहज करने वाली सच्चाई को उजागर करती है। इस फिल्म में सेंसर बोर्ड ने 48 कट लगाने के सुझाव दिए हैं। भोपाली ने INS से कहा कि फिल्म को लिखते समय उन्होंने कल्पना नहीं की थी कि देहाती फिल्म से किसी तरह का विवाद पैदा होगा। फिल्म का ट्रेलर फिल्म में इस्तेमाल की गई अंतरंगता व अपमानजनक भाषा का संकेत देता है। यह पूछे जाने पर कि क्या उन्होंने फिल्म लिखते समय केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC के परिणामों को दिमाग में रखा था, भोपाली ने कहा नहीं। फिल्म हमारे समाज का प्रतिबिंब है जिसमें बाबू का चरित्र नवाज ने निभाया है। वह एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है क्योंकि उसने अपना पूरा बचपन गरीबी में बिताया है। हमारी फिल्म समाज की कुछ असहज करने वाली सच्चाई को उजागर करती है। भोपाली ने कहा कि बाबू मोशाय बंदूकबाज की कहानी को आकार देते समय उन्होंने वास्तविक जीवन में कई लोगों से मुलाकात की और शोध किया।